आज आपको बनारस की उन गलियों में लेके चलते हैं जहाँ पे लोग इनकी कचौड़ी और जलेबी से ज्यादा इनकी गालियाँ खाने आते हैं। यहाँ लोग चाची की गालियाँ सुनने ज्यादा आते थे, कचौड़ी कम खाते थे। डिलीवरी करता था तो गाली देती थी, अबे चुप भोसड़ी वाले। अच्छा। चुप रहा, अभी गाली दे रहे, कचौड़ी अभी दे रहे, तो खूब गाली देती थी उनको। हंसते भी थे, हंसाते भी थे। अच्छा। चाची का मजा भी लेते थे, अच्छा भी लगता था चाची का गाली। राजनेता यहाँ आते थे, मनोज सिन्हा जी आते थे। अच्छा। और काफी यहाँ नेता आते थे गाली सुनने माता जी। एक बार एक लड़का आया था। अच्छा। बेचू में पेपर था। अच्छा। पेपर था और हम बैठे थे यहाँ। हाँ। माता जी का गाली सुनने आया था। अरे अच्छा। कचौड़ी खाने आया था और उसका पेपर था सुबह 7 बजे। अच्छा। और जल्दी 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 कर रहा था। माता जी उसको माँ की गाली दिए, चुप माधर चोर, कहा जल्दी कर रहे हो। हमसे बोलता है अंकल जी इनको समझाइए काहे गाली दे रही है। उनके बाबू काहे गुस्सा हो रहे, तो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है बेटा, इनका गाली तुम्हारे लिए बहुत फायदा है। अच्छा। बोलती है कि अच्छा। फिर हमसे जब बोलने लगा लड़का, फिर उसको चाटो गाली दी। अच्छा। हमको जाओ बेटा, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा आएगा। वो गया पेपर देने। अच्छा। पेपर दे के आया 2-4 महीने बाद। हाँ। फिर हमसे बोलते हैं अंकल जी छीन रहे आप। हाँ। बेटा बिल्कुल छीन रहे आप। बोले कि हमारा पेपर बहुत अच्छा आया था। अच्छा। बहुत अच्छा पेपर आया था, मतलब उनकी गालियों में प्यार छुपा रहता था, उनकी विशेष छुपी रहती थी। हम माता जी के लिए 1 किलो मिठाई, 1 साड़ी लेकर आते थे। अगर आज माता जी जिंदा होती तो 2-4 गाली हमें भी सुनाती। तो 2-4 गाली आप सुनाना चाहेंगे? अरे अभी तो गाली दिए आपको, कितना गाली दे। अभी कुछ दिन पहले गुजरात से लोग आए थे, 5-6 लोग। अच्छा। एक हमारी माता जी की तरह थी। हाँ। वो बोले कि अंकल जी माता जी तो आपकी है नहीं। हाँ। हम गाली आपका सुनेंगे। हाँ। हमको माता जी हम तो गाली आपको नहीं देंगे। हाँ। फिर बच्चे के पास गई। अच्छा। बाबू आप गाली दीजिए। वो कहा कि आप तो हमारी दादी हैं। हाँ। हम कैसे गाली। फिर हमारे पास आई। हाँ। तो हम उनको एक गाली दिए, बहुत जिद्दी आ गई थी। हमको 50 का नोट दे के गई। अच्छा। उनको गाली देना पड़ा। हम तो होते रहेगी। जरा अपनी कचौड़ी के बारे में बताइए जरा। जी जी। ये बेसिकली बेड़वी पूड़ी है या कचौड़ी है? ये देखिए, ये बनारस में इसको कचौड़ी बोलते हैं। अच्छा। और बेड़े कहाँ बोलते हैं इसको? राजस्थान रीजन। राजस्थान में बेड़े बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको कचौड़ी बोलते हैं बेटे। अच्छा। हमारे इसलिए कचौड़ी बोलते हैं कि इसमें उड़द की दाल मिक्स है। अच्छा। इसीलिए इसको कचौड़ी बोलते हैं। अच्छा। हाँ। तो बेसिकली दाल और अजवाइन और इसमें उड़द की दाल भी है, हींग भी है सर। अच्छा। इसको खाएंगे तो आपको स्वाद। आप यहाँ देख सकते हैं लगातार ये कचौड़ी तली जा रही है। और ये देखिए भीड़ चेक कीजिए पहले। अच्छा, ये सर किसके साथ की जाती है? हाँ सर। ये किसके साथ दी जाती है? ये सब्जी कौन सी होती है? ये सब्जी है, सीताफल है। अच्छा। आलू और सीताफल है, उसको। अच्छा। कद्दू बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मथुरा रीजन या कभी यूपी रीजन में आएंगे ना, तो वहाँ पे पूड़ी और बेड़मी और कचौड़ी कद्दू की सब्जी और आलू की सब्जी के साथ दी जाती है। चाची की कचौड़ी संकट मोचन के पास। अच्छा। रविदास गेट के पास। और चाची की गालियाँ फ्री। चाची की गालियाँ फ्री है यहाँ। अच्छा। 4 कचौड़ी खाइए, गालियाँ सुनिए आप। हाँ। अंकल, मैंने सुना आपके यहाँ कुल्हड़ में जलेबी बनती है। हाँ सर, हमारे यहाँ कुल्हड़ में जलेबी करीब 109 साल से बन रही है। अच्छा। हमारे पिताजी थे। हाँ। तब भी कुल्हड़ से ही बनाते थे। अच्छा। और हम लोग भी आए तो कुल्हड़ से ही जलेबी बनाते हैं। तो वही परंपरा कायम है। वो परंपरा कायम है। हाँ। और कुल्हड़ की जलेबी बहुत अच्छी लगती है। पूरे इंडिया में आपको कुल्हड़ जलेबी कहीं नहीं मिलेगी बनारस के चाची की दुकान के अलावा। अच्छा। और यहाँ गालियाँ भी मिलती थी, कचौड़ी भी मिलती थी, सब्जी जलेबी सब प्यार से खिलाते हैं। IAS IPS छोड़िए, भारत के राष्ट्रपति तक को गाली सुनना पड़ता था। कोई भी कार्यक्रम होता था, अगर PM आते थे, बेचू में रुकते थे, तो उनकी कचौड़ी यहाँ से जाती थी। कोई बोल देता था कि अरे जल्दी करा, प्रधानमंत्री की कचौड़ी है, तो उसको भी गाली सुनना पड़ता था। जैसे कोनो भोसड़ी वाले रहे। ये देखिए, और आप जलेबी देखिए, मतलब इसकी रंगत चेक कीजिए। आपको यहाँ शुगर फ्री भी जलेबी मिल जाएंगी, मतलब बहुत लाइट। कचौड़ी लगा के दिखाइए हमारे दर्शकों को। भैया एक कचौड़ी और जलेबी लगा दो। ये चाची की कचौड़ी है। अच्छा। गालियाँ भी भरी है, स्वाद भी भरा हुआ है। एक कचौड़ी 10 रुपए की है। अच्छा जी। और खाने कहाँ आना पड़ेगा? बस खाने के लिए ही लंका चौराहा आना पड़ेगा। लंका चौराहा, ठीक है, बेचू रोड, संकट मोचन के पास।